5 मार्च 2023 को परभणी जिले के पाथरी शहर यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल फिर एक बार देखने को मिली है। विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान, इन्होंने 25 लाख रुपए का निधि शिव मंदिर के मंडप, सभागृह मंडप और बाउंड्री वॉल के लिए दिया है। और आज ही 5 मार्च 2023 को शिव मंदिर, जो कि दत्तनगर और वीआईपी कॉलोनी के ओपन स्पेस, यहां पर इस मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम भी आमदार बाबा जानी दुरानी इनकी अध्यक्षता में रखा गया था। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 5 मार्च 2023 को परभणी ज़िले के पाथरी शहर यहां पर दत्तनगर और वीआईपी कॉलोनी यहां पर एक शिव मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का भूमि पूजन हबप महामंडलेश्वर मनीषानंद पुरी महाराज इनके शुभ हाथों से किया गया और इसी भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्ष विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान मौजूद थे। तो ही आपको बता दें कि विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान, इन्होंने 25 लाख रुपए का निधि शिव मंदिर के सभागृह के लिए डिक्लेयर किया है। तो उसी के साथ इस भव्य दिव्य शिव मंदिर, इसके बाउंड्री वॉल और इस मंदिर परिसर में गार्डन, ओपन जिम, पेड़ लगाने के लिए अलग से इस तमाम निधि को इस्तेमाल किया जाएगा। शिव मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम के मौके पर सैकड़ों की तादाद में दत्तनगर, वीआईपी कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, शिवाजी नगर और पूरे पाथरी शहर के भाविक भक्त सैकड़ों की तादाद में इस शिव मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद थे। दत्तनगर या ठिकाणी ये ओपन स्पेस जागा है, ये जागेवर दत्तनगर आणि वीआयपी कॉलोनी या परिसरात राहणारे लोकांनी हे ओपन स्पेसच्या जागेवर आजवरच्या मंदिराचं भूमिपूजन महाराजाचे पुरी महाराज मनीषानंद पुरी महाराज यांच्या हस्ते आज या ठिकाणी संपन्न झाला। प्रमुख पाहुणे म्हणून मी या ठिकाणी उपस्थित होतो आणि हे परिसरातली हे ओपन स्पेसची मोठी जागा आहे। या ठिकाणी अतिक्रमण होऊ नये आणि रोडला लगत असल्यामुळे या जागेवर जर ही जागा अशीच पडत राहिली तर या ठिकाणी अतिक्रमण होण्याची जास्त संभावना असते। म्हणून आलोक चौधरी यांनी विनंती केली की या जागेवर आम्ही या ठिकाणी महादेवाच्या मंदिराची उभारणी करणार आहोत। तर या ठिकाणी आज त्याचा भूमिपूजन सोहळा संपन्न झाला आणि याची सुरुवात महादेवाच्या मंदिराची सुरुवात सर्व वीआयपी कॉलनी दत्तनगर या परिसरातल्या लोकांच्या माध्यमातून त्यांच्या पट्टीतून त्याच्या देणगीतून त्याची सुरुवात या ठिकाणी आजपासून झालेली आहे आणि त्याचाच आज भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला आणि ह्या लोकांचे अनेक दिवसापासून ही मागणी होती ती आज पूर्ण झाली। आज जे आहे दत्तनगर इथं शिव मंदिराचा जे आहे हा भूमिपूजन सोहळा या ठिकाणी संपन्न झाला। तर आजच्या या कार्यक्रमानिमित्त परमपूज्य आदरणीय महामंडलेश्वर मनीषानंद पुरी महाराज आणि त्याचबरोबर जे आहे या पाथरी तालुक्याचे सर्वधर्मीय नेते आमदार बाबाजानी दुरानीसाहेब हे या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये आमदार बाबाजानी साहेबांनी जे आहे आम्ही त्या मागण्या केल्या होत्या की ही जी दत्तनगरची जी ओपन स्पेस आहे इथं आम्ही लोकवर्गणीतून शिवमंदिर उभारणार आहोत। पण आम्ही अशी प्रामुख्यानं मागणी होती की त्यासमोर जे आहे सभामंडप पाहिजे, कंपाऊंड वॉल पाहिजे, त्याचबरोबर जे आहे की ही जे जागे जे आहे ते या जागेमध्ये आम्हाला बगीचा करायचा आहे। त्यामध्ये जे आहेत अंतर्गत रस्ते जे आहेत गट्टूचे हे रस्ते आम्हाला करायचे, तर या सर्व मागणी ज्या आहे त्या आम्ही आमदार बाबाजानी साहेबांना केली आणि बाबाजानी साहेबांनी जे आहे आमच्या सर्व मागण्या ज्या आहेत या ठिकाणी मान्य केलेल्या आहेत आणि लवकरच जे आहे ते आम्ही इथं लोकवर्गणीतून भव्य शिवमंदिर उभारणार आहोत। बाबाजानी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली जे आहे त्या मंदिर परिसराचा जे विकास होणार आहे आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की हे जे काम जे आहे आम्ही ज्या सर्व दत्तनगर आणि वीआयपी कॉलनीतील नागरिकांच्या मदतीने जे आहे ते आगामी काळामध्ये लवकरच आम्ही पूर्ण करणार आहोत।
आणि या मंदिराचं जे आम्ही आता जसं सांगत होतो की या पाथरी शहरामध्ये अनेक मंदिरांचा जे आहे हे बाबाजानी साहेबांच्या विकास निधीतून जे आहे हा विकास झाला, जीर्णोद्धार झाला। पाथरीतील राम मंदिर जे आहे ते राम मंदिराचं जे आहे बाबाजानी साहेबांच्या निधीतून सभागृह त्या ठिकाणी झालं, सुंदर असा कार्यक्रम त्या ठिकाणी लोकार्पण सोहळा झाला। त्याच धर्तीवरती जे आहे दत्तनगरमधील जे आहे हे शिवमंदिर जे आहे हे सर्व भाविक भक्तांसाठी त्यांच्या मनोकामना पूर्ण करणारं जे असं सुंदर आणि आकर्षण शिवमंदिर जे आहे, आकर्षक शिवमंदिर जे आहे हे या ठिकाणी आम्ही निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे। श्री शिवाय नमस्तुते, ओम नमः शिवाय। 5 मार्च 2023 इतवार के रोज रात 8 बजे के करीब में परभनी जिले के बोरी पुलिस स्टेशन हद में आने वाले बोरी तांडा, यहाँ पर बोरी पुलिस ने देशी दारू के बॉक्स जब्त किए हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जिंतूर तालुके के बोरी पुलिस स्टेशन हद में आने वाले बोरी तांडा यहाँ पर 5 मार्च इतवार की रात 8 बजे के करीब में ये कार्रवाई की गई, जिसमें देशी दारू के बॉक्स जब्त किए गए। बोरी पुलिस ने जो मालूमात दी है इसमें बोरी तांडा यहाँ पर एक शख्स अवैध देशी दारू बेच रहा है, ऐसी गुप्त मालूमात मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सहायक पुलिस निरीक्षक सरला गाड़ेकर इनके मार्गदर्शन पर पुलिस उप निरीक्षक अनिल खिलारे, पुलिस कर्मचारी बद्रीनाथ कंठाड़े, काड़े शंकर, गायकवाड़, शाहने, टाकरस, इन्होंने प्लानिंग कर तांडे का जो आरोपी था उसे हिरासत में लिया है। 2 देशी दारू से भरे हुए बॉक्स के साथ उसे पकड़ा गया है। देशी दारू जिसमें भिंगरी संतरा 6,720 रुपये कीमत की 96 बोतलें अवैध जो देशी दारू विक्री करता इसको पकड़ा गया है। पुलिस कर्मचारी बद्रीनाथ कंठाड़े इनकी फिरियाद पर आरोपी प्रदीप भगवान जाधव इसको 65E के अनुसार गुना दाखिल किया गया है। 5 मार्च 2023 को परभनी ज़िले के पूर्णा तालुके के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने विधान परिषद के आमदार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी ज़िला अध्यक्ष आमदार बाबा जानी दुरानी खान इनके निवास स्थान पाथरी, यहाँ पर दर्जनों राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जो कि पूर्णा से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि विधान परिषद के आमदार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी ज़िला अध्यक्ष बाबा जानी दुरानी खान साहब इनके निवास स्थान पर पूर्णा तालुके के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, जिनमें मोहम्मद कलीम, मोहम्मद बुरहान कुरैशी जिन्होंने गुज़िश्ता नगर परिषद इलेक्शन के नगर अध्यक्ष चुनाव भी लड़े थे और एक जाना माना सामाजिक चेहरा मोहम्मद कलीम, मोहम्मद बुरहान कुरैशी इनको पूर्णा शहर में माना जाता है, एक समाज सेवक, तो उनके साथ में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है, जिनमें अजीम नाजा कुरैशी जो कि उन्हीं के साथ में शेख शकील, शेख चांद, उन्हीं के साथ में शेख निसार, शेख इस्माइल, उन्हीं के साथ में मोहम्मद जाकिर कुरैशी, मोहम्मद रफ़ीक़ हबीब कुरैशी, शेख महबूब मामू शफी कुरैशी और दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। तो वहीं आपको बता दें कि विधान परिषद के आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इनके निवास स्थान पर 9th स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन 7 सितंबर 2022 कजाकिस्तान यहां पर शेख खान यहां पर हुई 9th स्ट्रेंथ लिफ्टिंग कंपटीशन में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले शेख कौसर, शेख फत्तू इन्होंने 2 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। इनका भी सत्कार विधान परिषद के आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी इन्होंने किया है। इस मौके पर भगवान देवकर और शिवराज कुबड़े
इनके साथ तमाम लोग मौजूद थे, सब ने शेख कौसर शेख फत्तू इनको मुबारकबाद दी है। विधान परिषद के आमदार बाबा जानी दुरानी खान मित्र मंडल पूर्णा इनके जानिब से आने वाले कुछ ही दिनों में पूर्णा शहर में एक बहुत ही बड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रोग्राम रखकर और आने वाले नए जो प्रवेश है उनके लिए एक भव्य कार्यक्रम पूर्णा शहर में रखा जाएगा, ऐसा भी विधान परिषद के आमदार तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी जिला अध्यक्ष आमदार बाबा जानी दुरानी इन्होंने कहा है। आप देखिए रिपोर्ट। एथेल मोहम्मद कलीम मोहम्मद बुरहान कुरेशी जे ज्यांनी मागच्या नगरपालिकेच्या पुरण्याच्या निवडणुकीमध्ये नगराध्यक्ष ही उमेदवारी लढली होती, त्यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनेक कार्यकर्त्यांसह या ठिकाणी प्रवेश केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यांच्या पाठीशी खंबीर ताकदीने उभं राहील। येणारे नगरपालिकेच्या निवडणुकीचे पार्श्वभूमीवर पूर्णामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ताकदीने उभं राहून त्या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि नगरपालिका कशी निवडून येता येईल याच्यासाठी आमचे प्रयत्न राहणार आहेत। कारण की आता जिल्ह्यामध्ये जे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काही कार्यकर्ते जे लोकाले पक्षाने ताकद उभी केली असे कार्यकर्ते या ठिकाणी निधीच्या अभिशापोटी इकडे तिकडे पडत आहेत, पण बरेचसे असे इमानदार कार्यकर्ते चांगले कार्यकर्ते जे बाजूला त्यांच्यापुढे फेकले गेले होते बाजूला सरकले होते असे बरेच कार्यकर्ते पूर्णामध्ये आम्हाला या ठिकाणी आज मला भेटले आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद भविष्यामध्ये आणि या राज्यात आणि देशात मोठा सत्य परिवर्तन ह्या ठिकाणी तुम्हाला भविष्यामध्ये घडून दिसेल। असं काय नाही की आजच्या घडीला जे लोक इकडं तिकडं प्रवेश करतात हे गटात ते गटात त्यांचे कोणतेही प्रकारचे त्यांच्या पाठीमागं लोक नाहीत, त्यांच्या पाठीमागं समाज जात नाही, फक्त व्यक्तिशः लोक त्या ठिकाणी आपले स्वार्थापोटी प्रवेश करतात असं चित्र आज आमच्या जिल्ह्यामध्ये परभणी जिल्ह्यामध्ये जे निर्माण झालेलं आहे। तर निवडणुका झाल्यानंतर याचं सगळं पितळ उघडं होईल आणि दूध का दूध पाणी का पाणी त्या ठिकाणी लोकांना दिसेल। तर मी मनापासून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये स्वागत करतो। हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाज़रीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।